SBI सेविंग अकाउंट पे आपको 5% तक इंटरेस्ट रेट मिलेगा तो कैसा रहेगा? अरे भाई बहुत ही मजा आएगा। तो हम आपको बताने वाले हैं जितना आपका FD अकाउंट ओपन करने पे इंटरेस्ट रेट मिलता है 5-6%, उतना आप SBI सेविंग अकाउंट में भी 5-6% इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। FD के बराबर जितना FD में आपका इंटरेस्ट रेट मिलता है उतना आपको SBI सेविंग अकाउंट में भी इंटरेस्ट रेट मिल सकता है। इसके लिए आपको एक फैसिलिटी एनेबल करना पड़ेगा अपने अकाउंट में जिसका नाम है SBI ऑटो स्वीप। तो चलिए इसके बारे में जानते हैं पूरी डिटेल में। दोस्तों नमस्कार, इस वीडियो में हम आपको बताने वाले हैं कि ऑटो स्विफ्ट क्या है और आप अपने सेविंग बैंक अकाउंट में किस तरह से ये फीचर एनेबल करेंगे ऑटो स्विफ्ट, ये भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूं। ऑटो स्विफ्ट समझने के लिए आपको दो चीजें समझना बहुत ही जरूरी है। एक है SBI सेविंग बैंक अकाउंट का इंटरेस्ट रेट जो की आपको 2.7% पर ईयर आपको मिलता है SBI सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट। दूसरा है FD में जो इंटरेस्ट रेट आपको दिया जाता है वो है 5-6%। SBI सेविंग अकाउंट में ऑटो स्विफ्ट एक्टिवेट कर लेते हैं या एनेबल कर लेते हैं तो आपको 5% तक इंटरेस्ट रेट मिलता है SBI सेविंग अकाउंट में। अगर आप SBI सेविंग अकाउंट में ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी एक्टिवेट नहीं करते हैं या एनेबल नहीं करते हैं तो वहीं आपको करीब करीब SBI सेविंग अकाउंट का जो इंटरेस्ट रेट होता है 2.7% इंटरेस्ट रेट मिलता है। ऑटो स्विफ्ट एनेबल करने के लिए आपको एक सेविंग अकाउंट में एक थ्रेश होल्ड लिमिट दिया जाता। तो आइए समझ लेते हैं कि थ्रेश होल्ड लिमिट क्या। अगर आप अपने SBI सेविंग बैंक अकाउंट में ऑटो स्विफ्ट एक्टिवेट करना चाहते हैं तो आपके SBI सेविंग अकाउंट में मिनिमम बैलेंस 25,000 रहना चाहिए और 25,000 से जैसे ही ज्यादा पैसे होंगे तो वो पैसे ऑटोमेटिक FD में ट्रांसफर होते रहेंगे और वो आपको 5% तक ब्याज मिलता रहेगा, यानी कि इंटरेस्ट रेट मिलता रहेगा। थ्रेश होल्ड लिमिट जो है 25,000 तक मिनिमम आपका अकाउंट में रहता है। तो अगर आप 25,000 से ज्यादा रहता है तभी आप जो है SBI सेविंग बैंक अकाउंट में ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी को एनेबल कर सकते हैं, एक्टिवेट कर सकते हैं, तभी आपको 5% तक का इंटरेस्ट रेट मिलता है। तो चलिए एग्जांपल पे समझते हैं। जैसे कि हमारे SBI सेविंग अकाउंट में 40,000 रुपये है और मुझे इंटरेस्ट रेट मिल रहा है 2.7% पर ईयर। मुझे पूरे साल का 40,000 का जो मिलेगा इंटरेस्ट रेट वो है 1080 रुपया, यानी कि 1080 रुपया मिलेगा। लेकिन अभी भी SBI सेविंग अकाउंट में ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी एक्टिवेट नहीं है तब मिल रहा है 1080 रुपये। लेकिन सवाल ये आता है अगर हम अपने SBI सेविंग अकाउंट में ऑटो स्विफ्ट एक्टिवेट करा लेते हैं तो 40,000 का इंटरेस्ट रेट कितना मिलेगा। अब हम अपने सेविंग बैंक अकाउंट में ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी एनेबल करा चुके हैं और हमारे खाते में 40,000 रुपये। तो यहाँ पे आपको दो चीजें समझ में आनी चाहिए। जैसे कि आपको मैंने बताया था आपके सेविंग अकाउंट में एक थ्रेशहोल्ड लिमिट लगाया जाता है जो कि 25,000 रुपये तक होता है। अगर 25,000 से जितने भी नीचे होंगे उस पर आपको सेविंग अकाउंट का इंटरेस्ट रेट मिलेगा 2.7% के हिसाब से मिलेगा। 25,000 से जितने भी आपके खाते में पैसे ज़्यादा होते हैं तो जो भी FD का इंटरेस्ट रेट मिलता है वही आपको सेफ इंटरेस्ट रेट मिलेगा। लेकिन 25,000 से ज़्यादा आपके खाते में होनी चाहिए तभी आपको FD वाला जो इंटरेस्ट रेट मिलता था वही आपको यहाँ पे सेविंग अकाउंट में इंटरेस्ट रेट मिल, जो कि ऑटो स्विफ्ट एनेबल करने पे। अगर हम दोनों इंटरेस्ट रेट को जोड़ दिया जाए, सेविंग अकाउंट इंटरेस्ट रेट प्लस FD अकाउंट इंटरेस्ट रेट, तो टोटल इंटरेस्ट रेट बन जाता है 1613 रुपये। तो यहाँ पे आपको 1613 रुपये मिलते हैं 40,000 पे अगर आप ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी को एनेबल कर लेते हैं, एक्टिवेट कर लेते हैं। तो कितनी अच्छी बात है, ये ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी आप अपने सेविंग अकाउंट में एक्टिवेट भी करा सकते हैं, वो भी मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। ऑटो स्विफ्ट एक्टिवेट कराने के लिए आपके दो रास्ते हैं। एक तो आप खुद बैंक में जाके करा सकते हैं ऑफलाइन, नेट बैंकिंग की मदद से सहायता से ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी को एक्टिवेट कर सकते हैं। ऑटो स्विफ्ट एक्टिवेट कराने के फायदे भी मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि आपका जो पैसे 25,000 से ज्यादा हो जाते हैं अगर आप उसे निकालना चाहते हैं कभी भी किसी समय आप निकाल सकते हैं। कई बार लोग पूछते हैं कि जो भी 25,000 से ज़्यादा हो रहा है अगर उसका FD बन रहा है तो क्या हमें FD को क्लोज करना पड़ेगा तब पैसा निकलेगा? ऐसा कोई भी बात नहीं, बिल्कुल ऐसा नहीं है। आप कभी भी किसी समय भी आप निकाल सकते हैं, ATM से निकालिए चाहे आप उसका ऑनलाइन ट्रांजेक्शन कर दीजिए। अगर ज़रूरत पड़ने पर अगर आप पैसे निकालना चाहते हैं तो नॉर्मल सेविंग अकाउंट के तरह भी आप निकाल सकते हैं, FD क्लोज करने की कोई ज़रूरत नहीं है, आपका ऑटोमेटिक जो है पैसा निकल जाता है। तो आपका ज़रूरत पड़ता है पैसे
पैसे को आप कभी भी एटीएम से विड्रॉल भी कर सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं ऑटो स्विफ्ट अगर आप एक्टिवेट करना चाहते हैं तो क्या इसके लिए एलिजिबिलिटी होती है। किसी भी बैंक का सेविंग अकाउंट होनी चाहिए और 25,000 से ज्यादा आपके अकाउंट में होनी चाहिए तो आप ये फैसिलिटी का लाभ आप ले सकते हैं। तो चलिए जान लेते हैं हम अपने SBI सेविंग अकाउंट में ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी एक्टिवेट कैसे करेंगे। पहले आपको नेट बैंकिंग में लॉगिन हो जाना है। तो चलिए यूजर नेम पासवर्ड इंटर करके हम यहाँ पे लॉगिन कर लेते हैं और कैप्चा इंटर करके आप लॉगिन करेंगे तो आपके रजिस्टर मोबाइल नंबर पे एक OTP आएगा। OTP इंटर करके सबमिट बटन पे क्लिक करेंगे और यहाँ पे होम पेज पे पहुँच जाएंगे। एक 3 लाइन आपको यहाँ पे दिख रहा होगा, ये 3 लाइन पे यहाँ पे क्लिक कर देना है। तो जैसे ही 3 लाइन पे क्लिक करते हैं तो नीचे में एक ऑप्शन आपको दिख रहा होगा डिपॉजिट एंड इन्वेस्टमेंट, तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना। तो जैसे ही आप यहाँ पे क्लिक करते हैं तो आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। तो इस पेज को थोड़ा सा आप स्क्रॉल अप करेंगे और अप करने के बाद यहाँ पे देखिए फिक्स डिपॉजिट है तो यहाँ पे आपको क्लिक कर देना है। ऐसा करने के बाद आपके सामने में कुछ इस तरह का इंटरफेस खुलता है। तो इस पेज को आप थोड़ा सा ऊपर करेंगे, जैसे ही आप ऊपर करेंगे तो यहाँ पे आपको ऑप्शन दिखाई देगा ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी के नाम से, जैसा कि आप यहाँ पे देख सकते हैं। तो इस ऑप्शन को आप इनेबल करेंगे तो आपको SBI सेविंग अकाउंट में आपको 5% तक आपको इंटरेस्ट रेट मिलेगा। तो चलिए हम यहाँ पे इस फैसिलिटी को यहाँ पे क्लिक करके आप इसे इनेबल कर सकते हैं। तो यहाँ पे ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी पे क्लिक करके आप यहाँ पे इसे इनेबल कर सकते हैं। तो इस तरह से आप जो है SBI में जो है ऑटो स्विफ्ट फैसिलिटी को जो है आप एक्टिवेट कर सकते हैं। आप अपना SBI सेविंग अकाउंट में 5% तक इंटरेस्ट रेट ले सकते हैं। तो इस वीडियो के रिकॉर्डिंग कोई सवाल या सुझाव है तो हमें आप नीचे कमेंट बॉक्स में बता सकते हैं। अगर वीडियो में इन्फॉर्मेशन पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर सकते हैं और चैनल पर नए हैं तो सब्सक्राइब करके बेल आइकन को दबा सकते हैं। तो फिर मिलते हैं किसी एक और नए शानदार वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।